सो हेलो माय टू फैमिली, कैसे हो? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। गाइस इस वीडियो में मैं आप लोग को रियलमी एक्स 3 में पांडा मस्त प्रो को एक्टिवेट करके दिखाऊंगा। एक्चुअली मेरा एक सब्सक्राइबर है, ठीक है, एक मेरा भाई बोल रहा था कि उसका पांडा मस्त प्रो एक्टिवेट नहीं हो रहा है, उसके पास रियलमी एक्स 3 का मोबाइल देख सकते हैं यहां पे। रियलमी एक्स 3 मोबाइल है जो कि उस भाई का नहीं है, मतलब दूसरे का मोबाइल है, मेरा एक बगल में का रूममेट है, मैंने उनसे लिया है, ठीक है। तो ये जो है मैं इसमें पांडा मस्त प्रो एक्टिवेट करके दिखाऊंगा। एक्चुअली बहुत सारे बंदे परेशान हैं, अलग अलग मोबाइल के, बहुत सारे लोगों ने कॉल भी किया, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर रहे हैं, बट मेरे पास सारे कंपनी का मोबाइल नहीं है। बट मेरे पास जिस कंपनी का मोबाइल रहेगा उस कंपनी में आपको एक्टिवेट करके आप लोग के सामने प्रूफ रखूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो रियलमी एक्स 3 का मोबाइल आज आप लोग सामने मैं इसमें एक्टिवेट करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम इसमें हो रहा था, ठीक है, मैं भी एक्टिवेट कर रहा था, अभी तक एक्टिवेट नहीं, बट मैंने सोचा कि चलो यार लाइव वीडियो बनाते हैं, देखते हैं अभी क्या प्रॉब्लम होता है, आप लोग के सामने प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी है, क्योंकि अभी मैं कोई कट पेस्ट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। मैं मेरे पास जो जो ट्रिक है मैं सारे ट्रिक यहाँ पे यूज करूँगा एंड आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग पांडा मस्त प्रो को एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है पांडा मस्त प्रो, यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी मैंने यहाँ इसको इंस्टॉल किया इसमें, ठीक है। इंस्टॉल करने बाद आप लोग देखा एक्टिवेटेड नहीं है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे ऐप है LADB, ठीक है, देख सकते हो LADB ऐप है, ठीक है। तो आज हम लोग इसको यूज करके यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे पांडा मस्त प्रो को। तो सबसे पहले मैं इसको वाईफाई से कनेक्ट कर देता हूँ, अपने वाईफाई से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद मैं इसमें सिंपली कर देता हूँ यहाँ पे एक्टिवेशन चालू, ठीक है। एक्टिवेशन का जो प्रोसेस है वो चालू कर देता हूँ। आज आपके सामने सारी चीजें मैं करूँगा, आप लोग वीडियो को जरूर पूरा देखना, तभी आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो वाईफाई कनेक्ट हो चुका है, आई थिंक वीडियो थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे पांडा मस्त प्रो देखो, यहाँ पे है, यहाँ पे मेरे पास LADB ऐप है, तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग चलेंगे सेटिंग में, सेटिंग में सारा सेटिंग ऑन करेंगे। तो सारा सेटिंग क्या होता है, सिंपली हम अबाउट डिवाइस में चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग डेवलपर ऑप्शन ऑन करते हैं, यहाँ पे पहले से डेवलपर इनेबल ऑप्शन है, मतलब डेवलपर ऑप्शन इनेबल्ड है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे हम लोग चलते हैं सेटिंग में, यहाँ पे सर्च करते हैं डेवलपर ऑप्शन, ठीक है, DEVELOP। या मेरे को डेवलपर की स्पेलिंग आती है क्या भाई? ओ भाई साहब, तो यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे पहले से होना USB डिबगिंग, वो भाई साहब USB डिबगिंग नहीं होना। यहाँ पे सबसे पहले रिवोक USB डिबगिंग कर लेते हैं, ये करना थोड़ा जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले वायरलेस डिबगिंग को ऑन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये वायरलेस डिबगिंग ऑन हो गया, USB डिबगिंग यहाँ पे ऑन करेंगे, ठीक है, ये हो गया। इसको बाद हम इसको कट कर लेंगे, ठीक है। कट करने के बाद सिंपली यहाँ पे हम लोग LADB को ऑन करेंगे, ठीक है। अब देख सकते हो LADB यहाँ पे है, यहाँ पे सिंपली हम लोग इसको स्प्लिट स्क्रीन पे डालेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग चलते हैं सेटिंग में, तो सेटिंग में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। तो सेटिंग ऑप्शन कहाँ है भाई, आजा सेटिंग ऑप्शन, यहाँ पे सेटिंग, ठीक है। तो ये सेटिंग ऑप्शन खोल गया, सिंपली हम डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे ऑन करते हैं, डेवलपर ऑप्शन ऑन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बीच में थोड़ा सा मेरे को खांसी आ गई थी, मैंने वीडियो को थोड़ा कट कर दिया, ठीक है। जो भी आप लोग को सामने में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डेवलपर ऑन करते हैं, यहाँ पे नीचे करते हैं, एंड यहाँ पे चलते वायरलेस डिबगिंग, देख सकते हो वायरलेस डिबगिंग यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमको जो है ये जो है पोर्ट नंबर, ठीक है, ये IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर नहीं, यहाँ पे क्लिक करना है, पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड, ठीक है, नीचे वाला जो ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने बाद देखो ये हम लोग का कोड है, एंड यहाँ पे नीचे देख सकते हो यहाँ पे हम लोग का पोर्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले पेयरिंग कोड क्या है, 4588 20, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं 4588 20, 4588 20, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग कोड लिख देते हैं, कौन सा कोड है यहाँ पे, पोर्ट क्या है, 37237 एंड 237, ठीक है। यहाँ पे 37 एंड 237, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे ओके पे क्लिक करते देखते कनेक्ट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो लिख रहा है सक्सेसफुली लोकल होस्ट, यहाँ पे क्या लिख रहा है, अभी लोडिंग चल रहा है, आप लोग देख रहे हो यहाँ पे लोडिंग चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कमांड डालने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे जो है कमांड डालने का ऑप्शन है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारे लोगों में यही प्रॉब्लम है, ठीक है, यही प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों में हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम हो रहा है, अब ये प्रॉब्लम का सलूशन कैसे मैं निकालता हूँ आप लोग देखो, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे रीसेट सर्वर है, ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ, फिर से चलता हूँ, फिर से क्लिक करता हूँ, फिर से चलता हूँ, फिर से क्लिक करता हूँ, फिर से क्लिक करता हूँ, ठीक है। कम से कम 7-8 बार यहाँ पे रीसेट सर्वर करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, तो आप लोग उसे माइंड मत करना, ठीक है। यहाँ पे सिंपली मैं सारा बैकग्राउंड हटा देता हूँ। इसके बाद मैं फिर से LADB को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ऐप इन्फो में जाता हूँ, ऐप इन्फो में जाने के बाद फोर्स टू स्टॉप करता हूँ, एंड यहाँ पे स्टोरेज यहाँ पे क्लियर डाटा करता हूँ, ठीक है। क्लियर डाटा करने के बाद इसको फिर से मैं ओपन करता हूँ, ये फिर से ओपन हो गया यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन। ये तो पहला तरीका था जो मैंने अप्लाई किया, अभी पता नहीं एक्टिवेट होगा कि नहीं, मेरे को खुद नहीं मालूम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेवलपर ऑप्शन में चलता हूँ, एंड डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद सिंपली यहाँ पे मैं नीचे चलता हूँ, एंड यहाँ पे वायरलेस डिबगिंग, वायरलेस डिबगिंग आने के बाद यहाँ पे ये पोर्ट नंबर है, ठीक है, ये पेयरिंग कोड है 003012, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 003012, ठीक है। एंड यहाँ पे पोर्ट नंबर लिखना है, ठीक है, पोर्ट नंबर क्या है एक बार मेरे को देखने दो भाई, पोर्ट नंबर क्या है, पोर्ट नंबर 439, ठीक है, पोर्ट नंबर है 439, ठीक है। एंड ये हो जाए, ठीक है, यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पे फिर से नहीं हो रहा है, देख सकते हो फिर से वही लोडिंग प्रॉब्लम हो रही है गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो लोडिंग प्रॉब्लम यहाँ पे चल रहा है अभी तक, ठीक है, कोई यहाँ पे हो नहीं रहा है, एंड कंटिन्यूस लोडिंग प्रॉब्लम। अब इसके बाद क्या किया जाए यार, यहाँ पे देख सकते हो LADB एक्टिवेशन से रिलेटेड बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो LADB है, ठीक है, ये जो है इस बार इसको नहीं हो रहा है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे हो नहीं रहा है। तो इसको क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको कुछ नहीं करने वाले, रिसर्च सर्वर करेंगे, इसको बंद करेंगे क्योंकि ये होगा नहीं, ठीक है। एक बार हम इसका वो चेक करते हैं, ऐप इन्फो में चल के इसका वर्जन चेक करते हैं, 1.2.4 वर्जन तो सही है, ठीक है। यहाँ पे फोर्स टू स्टॉप करते हैं, फिर से एक बार फिर से यहाँ पे क्लियर डाटा करते हैं, एंड एक तरीका और अपनाते हैं, हम लोग चलते हैं सेटिंग के ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग में चलते हैं, सेटिंग में चलने के बाद यहाँ पे नेटवर्क रीसेट नेटवर्क सेटिंग यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, ये रहा रीसेट नेटवर्क सेटिंग, ठीक है, सर्च करने पे। तो रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे तो कोड मांग रहा है, तो कोड मैं हटा देता हूँ, एंड यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे फिंगर मांग रहा है भाई साहब का, फिंगर तो नहीं है, तो कैसे होगा फिर यार, तो फिर क्या करें यहाँ पे, ठीक है, इसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग ट्राई करते हैं, चलो ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं, एक बार हमने ट्राई किया नहीं हुआ, यहाँ पे फिर से ट्राई करते हैं। देखो आप लोग के सामने इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बंदों को यही प्रॉब्लम होती है, आप लोग बोलते हो वीडियो कट पेस्ट करके भाई बना दे, तो आपका हो जाता है, मेरा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग के सामने इसलिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी हो सकती है, अगर आप लोग चाहो तो 370 500 ये कोड है, ठीक है, क्या है भाई 370 and 500, ठीक है। एंड यहाँ पे पोर्ट नंबर क्या है, पोर्ट नंबर हम लोग देखते हैं, पोर्ट नंबर है 43115, आई डोंट नो कि यहाँ पे हो क्यों नहीं रहा है, ठीक है, मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान, इस पर फिर से मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ, होप कि ये हो जाए, हो जा भाई साहब, हो जा इंटरपेयरिंग कोड सक्सेसफुली पेयर्ड लोकल होस्ट, क्या लिख रहा है भाई ये उर्दू अभी में, क्यों नहीं हो रहा है भाई, देख रहा हूँ यहाँ पे अभी तक हो नहीं रहा, यहाँ पे लोडिंग ही चल रहा है, ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, एंड
क्या किया जाए इसके बाद यार, क्या किया जाए, वीडियो तो 7 मिनट का हो गया, क्या किया जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हम लोग उड़ा देते हैं, ठीक है, इसको डिलीट करते हैं, LADB को हम लोग यहाँ से करते हैं डिलीट, ठीक है, अनइंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अनइंस्टॉल करने के बाद हम इसका दूसरा वर्जन डाउनलोड करते हैं LADB का। तो मैं यहाँ पे दूसरा वर्जन डाउनलोड करने वाला हूँ, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करो, मैं पे डाउनलोड करता हूँ दूसरा। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये जो मैंने है डाउनलोड कर लिया, ठीक है, अब इसको मैं जल्दी से इंस्टॉल करता हूँ। ये वर्जन नहीं है, ये वाला वर्जन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे वर्जन डाउनलोड किया ऑलरेडी, तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ इंस्टॉल। ठीक है, LADB का 1.7.2 वर्जन है, ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा अगर इसे एक्टिवेट होता है तो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये जो है ये ओपन हो चुका है फिर से आप लोग के सामने। एंड यहाँ पे मैं फिर से करता हूँ यहाँ पे ये, ठीक है, एंड चलते हम लोग सेटिंग के ऑप्शन में फिर से। एंड सेटिंग में जाने के बाद फिर से हम लोग डेवलपर ऑप्शन में जाते हैं, DEVELOPER स्पेलिंग है भाई। तो गाइस डेवलपर ऑप्शन में लोग आ गए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा गलत खराब है, तो उसे डोंट माइंड मत करना, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे है पेयर विद पेयरिंग कोड, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का कोड मिल चुका है, कोड 2456-29, ठीक है, तो ये जो है पेयरिंग कोड मिल जाएगा, ठीक है, 2456-29 ये कोड था ना भाई, लो 2456-29, ठीक है, तो ये जो कोड है यहाँ पे हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग का जो पोर्ट है यहाँ पे कुछ कोड डालना है, तो कोड क्या है 4869, ये जो हम लोग का पोर्ट नंबर है, ठीक है। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ, यहाँ पे ओके करने के बाद देखता हूँ पेयर होता है कि नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे भी लोडिंग हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, हाँ इतना सारा लोडिंग क्यों हो रहा है भाई। तो देख सकते हो आपके सामने मैं यहाँ पे एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे जो है ये एक्टिवेट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये जो है एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया, बहुत बड़ा इशू हो रहा है, ठीक है। मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे करके दिखाया, मैंने सारे तरीके इस्तेमाल कर लिया, बट यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे कुछ कुछ ऐप, अब देखो मैं इसका मेन प्रॉब्लम बताता हूँ है क्या, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोग के सामने प्रूफ के साथ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रूफ के साथ नहीं दिखा था तो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। मेरे वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि आप लोगों को मैं बता सकूँ कि कुछ कुछ एंड्रॉइड 11 होता है जिसमें कोई भी ट्राई कर लो। मैंने यहाँ पे बहुत सारा वर्जन, यहाँ पे मैंने इससे पहले बहुत सारा वर्जन ट्राई किया इसमें, बट यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मैंने इसका मेन रीजन फाइंड आउट किया, तो इसमें क्या है ना कि मोड एपीके काम नहीं करता है, क्योंकि एंड्रॉइड 11 में, जैसे कि मैंने बताया, एंड्रॉइड 11 में कुछ कुछ एंड्रॉइड 11 में यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन की वजह से, हाई सिक्योरिटी रीजन की वजह से मोड एपीके कोई भी आउटसाइड का जो एपीके होता है, जो मॉडिफाइड होता है, ठीक है, जो जेन्युइन नहीं होता, जो रिस्की होता है, ठीक है, वो काम नहीं करता, ठीक है। ऐसा नहीं कि LADB रिस्की आप लोग डाउनलोड ना करो, जिसका एक्टिवेट वो लोग करो, बट जिसका नहीं होता, ठीक है, वो सिक्योरिटी रीजन है, इंटरनल रीजन की वजह से। ये फॉल्ट ऐप में नहीं होता, ये फॉल्ट मोबाइल में होता है, ठीक है, इंटरनल रीजन की वजह से यहाँ पे आपका एक्टिवेशन नहीं होता, ठीक है। तो ये जो कुछ कुछ जिस मोबाइल में LADB से एक्टिवेट नहीं हो रहा है, उस मोबाइल में LADB से एक्टिवेट नहीं होगा। अगर मेरे को कोई तरीका मिलता है एक्टिवेट करने का, तो मैं जरूर आप लोग को बताऊंगा, बट यहाँ पे LADB से कोई एक्टिवेशन का चांसेस नहीं है इसमें, ठीक है। इस वीडियो बनाने का मेरा पूरा यही मकसद था, आप लोग को दिखाना प्रूफ के साथ, ठीक है। इस वीडियो में इतना बोर करने के लिए आई एम रियली सॉरी यार, बट आप लोग को दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ताकि आप लोग परेशान ना हो, ठीक है, आप लोग डबल मोबाइल से एक्टिवेट करो। अब मैं इसी मोबाइल में कल एक नया वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं आपको इसी मोबाइल में डबल मोबाइल से एक्टिवेट करके आप लोग के सामने मैं दिखाऊंगा कि कैसे डबल मोबाइल से इसमें एक्टिवेट करना है, क्या क्या इसमें फीचर्स होते हैं डबल मोबाइल में एक्टिवेट करने के लिए, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो सारा मैं आप लोग के सामने करके दिखाऊंगा, जो कि डबल मोबाइल से बहुत ज्यादा आसान एक्टिवेट करना, तो उसी में आप लोग के सामने इसी मोबाइल, क्योंकि इस मोबाइल में एक्टिवेट नहीं हो रहा है, इसी मोबाइल में आपको एक्टिवेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो Realme 6X3 मोबाइल है, आप लोग नाम याद रखना, ठीक है। एंड ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था, होप आपको वीडियो पसंद आएगी। एंड गाइस इस वीडियो पे 2K की फैमिली कंप्लीट होने वाली है, हम लोग का मोनेटाइजेशन भी अंडर प्रोसेस है, हो सकता है मोनेटाइजेशन जल्दी ऑन हो जाए एंड आप लोग को एड भी दिखने लगे, ठीक है। तो एड से इरिटेट मत होना, ठीक है, थोड़ा आप लोग के भाई का भी फायदा हो जाए, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब बटन क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है, आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। सो कहीं चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।